राजा सोना सिंह ऑफ सोनगढ़ वाज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग गोल्ड आइटम्स। एवरी ईयर ऑन हिज बर्थडे ही एग्जिबिट द गोल्ड आइटम्स टू पब्लिक इन हिज हीरा म्यूजियम नेम्ड आफ्टर हिज ग्रैंडफादर हीरा सिंह। दिस एग्जीबिशन वाज डन अंडर वेरी टाइट सिक्योरिटी। फाइव नोटोरियस थीव्स कालू पीलू हरिया रोकी टेढ़ा एंड एन आई ऑन वन ऑफ हिज कॉस्टलियस्ट एसेट दैट इज राउंड सॉलिड गोल्ड प्लेट नेम्ड स्वर्ण थाली। क्या मस्त कहानी चल रही है बच्चों। दिस ईयर दे वर एबल टू स्टील इट आफ्टर ए लॉट ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। ठीक है। दे ऑल्सो गॉट अ फाइन कटर फ्रॉम लोहा सिंह टू कट इट फाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट अमंग देमसेल्व्स। सिंस दे वर टायर्ड दे डिसाइडेड टू टेक रेस्ट एंड टू डिस्ट्रीब्यूट इट इन मॉर्निंग। बट एज पर नेचर दे कुड नॉट रेजिस्ट एंड स्टोल अ पार्ट ऑफ इट इन नाइट वन बाय वन विदाउट लेटिंग अदर्स नो। द नेक्स्ट मॉर्निंग दे फाउंड दैट ओनली वन एट ऑफ द स्वर्ण थाली वॉज रिमेनिंग फर्दर। तो समझ गए बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन मैं जनरली बच्चों को कराता हूँ क्लास में कि रात को सोए थे, फिर उनमें से एक जना उठता है, वो कुछ पार्ट चोरी कर लेता है, फिर वो जाके सो जाता है, फिर दूसरा उठता है, वो कुछ पार्ट चोरी कर लेता है। ये उस तरह का क्वेश्चन है, देखने में इजी लग रहा है, मेरे हिसाब से करने वाला है। क्या बोलते हो, किया था ये वाला? ठीक नो सर, है, आज ट्राई किया हुआ नहीं, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। लेकिन सर दो आंसर आ गए थे डायरेक्टली। दो आ गए थे, कोई बात नहीं, चेक करवा देता हूँ। और इसमें बस जो ध्यान रखने की बात है वो ये है कि सुबह उठ के देखे तो 1/8 बचा था, स्वर्ण थाली का 1/8 पार्ट बचा था। 1/8 इज 12.5% थाली बची थी, राइट? यस सर। चलो तो ठीक सर है, अपन 800 ग्राम या कुछ थाली को ज्यूम कर सकते हैं। ठीक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, देखते फिर हैं उसके हिसाब से कंडीशन क्या सौ दे ग्राम रहा है। बचेगी। नन ऑफ देम स्टोल मोर देन हाफ ऑफ स्वर्ण थाली दैट वाज रिमेनिंग एट द टाइम दे वेंट टू स्टील इट। मतलब जैसे कोई चोर सेकंड नंबर पे चोरी करने आया, फर्स्ट नंबर वाला 10% ले गया सपोज, तो सेकंड नंबर पे आया उसको 90% बची हुई दिख रही है, तो वो इसका 50%, इसका 50% मतलब 45% से ज्यादा चोरी नहीं कर सकता है। ये क्लियर है? जो भी यस रिमेनिंग है सर। ना उसका 50% से ज्यादा आप नहीं चुरा सकते हो। टेढ़ा स्टोल हाफ ऑफ द स्वर्ण थाली दैट वाज रिमेनिंग व्हेन ही वेंट टू स्टील इट। ठीक है, टेढ़ा ने जब चोरी करने गया तो जितनी बची हुई थी उसका 50% ले गया, समझ में आया? अरे 50% टोटल एक थाली सेकंड का सर, नहीं वापस बोल रहा हूं रिपीट कर मैं, दीजिए। 50% ऑफ रिमेनिंग। जो भी जब टेढ़ा पहुंचा, जैसे टेढ़ा सपोज करो फिफ्थ नंबर पे पहुंचा है, तो यहां पर जाकर जितनी भी 4x बची थी सपोज, तो उसका 50% 2x वो ले गया, ठीक है, यस रिमेनिंग का 50% ले गया। बच्चों समझ में आया? सर। एंड कालू स्टोल द सेम पार्ट ऑफ स्वर्ण थाली टेढ़ा स्टोल। इसके पास जितना आया था ना उतना ही कालू के पास भी आया था। सर वो 50% या इक्वल टू टेढ़ा, मतलब कि वही वो भी 50% ऑफ द रिमेनिंग लेगा या फिर टेढ़ा का जितना आया उतना लेगा। ये सोचने की बात है। कालू स्टोल द सेम पार्ट ऑफ स्वर्ण थाली, मतलब कालू भी 50% लेकर गया था। या सेम पार्ट, ओहो, इस लाइन में कंफ्यूजन है थोड़ा। सेम परसेंटेज वाला शेयर उसने लिया है या सेम, एक बार देखते हैं, आगे देखते हैं। फर्स्ट वाले को मैं सर्किल कर रहा हूं कि यूज नहीं किया ढंग से, सेकंड वाले सर को ये सॉरी। सेम पार्ट का ही तो आएगा, लाइक अगर उसने पर्टिकुलर ग्राम का लिया है तो कालू ने भी फिर उतना ही स्टोल करा उतना है। ही ग्राम लिया होगा, वो होना यही चाहिए वैसे। पर इसमें एक पॉइंट और बेटा, टेढ़ा यदि पहले आ गया, मेरे हिसाब से यही पॉइंट है कि जितना इसने वेट लिया है ना उतना ही वेट ये लेकर गया है, समझ गए?
परसेंटेज पार्ट नहीं। भी तो बोला है सर, सेम पार्ट हाँ तो सर, वो पोर्शन ही तो हो गया एक तरीके से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं समझाऊँ आप लोग को। जैसे जब टेढ़ा आया, जब टेढ़ा आया तो आप कितना बोल रहे हो, कितना बचा था, कुछ भी वैल्यू बोल दो मन से रेंडमली। 2x maybe। 10x बचा था सपोज, तो टेढ़ा कितना ले गया, इसका 5x। 5x ले गया। हाँ, वो भी और आप बोल रहे हो कि फिर कालू आएगा, कालू फाइव भी एक्स ही 5x ले लेके जाएगा, तो भाई थाली खत्म हो गई फिर तो। अरे जा। हाँ सर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। हाँ, पॉसिबल है बेटा, इसका खाली मतलब पहले कालू आया था बेटे ना। फिर टेढ़ा आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया भैया, पहले कालू आया था फिर टेढ़ा आया था। कैसे समझाता हूं, जैसे सपोज करो कालू आया था तब 10x बची थी, तो कालू ने ले लिया कितना ले लिया, टू अब ये तो सर एक्स ले लिया, डिसाइड टू नहीं एक्स कर। ले लिया, अच्छा कालू ठीक है, ठीक ने 2x ले लिया। अब उसके बाद कोई आया होगा, कोई आया होगा। अब जब टेढ़ा आया तब तक 4x बची थी, तो टेढ़ा ने इसका कितना ले लिया, 50%, 2x ले लिया। नेक्स्ट। अब वो हाँ सही है, हाँ सर, इसका मतलब ये श्योरिटी से अपन कह सकते हैं कि टेढ़ा बाद में आया है कालू के। और बहुत ही शानदार पॉइंट है बच्चों ये, किसी बच्चे को डाउट है क्या? नो सर। रोकी स्टोल आफ्टर हरिया, रोकी हरिया के बाद आया था, कितना बाद, इमिडिएटली बात तो नहीं है इसलिए मैं डॉट लगा रहा हूं, आपको पता ही डॉट में क्यों लगाता हूं। मोर देन 180 यस ऑफ द सर, वाज रिमेनिंग, रोकी स्टोल आफ्टर हरिया एंड रोकी स्टोल मोर देन 180 ऑफ इट वाज रिमेनिंग। रोकी जब स्टोल कर चुका था उसके बाद भी 180 से ज्यादा बची थी, ये क्या कहना चाह रहा है कि रोकी वाज नॉट द लास्ट वन, क्योंकि जब लास्ट वाला आया था तो 180 बची थी ना। पर ये बोल रहा है कि रोकी जब आया था उसके बाद 180 से ज्यादा बची थी, इसका मतलब रोकी के बाद भी कोई और आया है, ये समझ में आया नहीं आया? हाँ सर। बढ़िया, तो ये भी यूज किया, ये भी यूज किया। द थीफ स्टोल लास्ट, स्टोल ओनली 1/4 ऑफ स्वर्ण थाली दैट वाज रिमेनिंग, 1, 2, 3, 4, 5। ये जो लास्ट आया ना इसने 1/4 ऑफ रिमेनिंग स्टोल किया है। हाँ एंड टेढ़ा स्टोल बिफोर रॉकी, रोकी टेढ़ा रोकी से पहले आया है, तो रोकी से पहले 3 जने हो गए। हाँ सर, KTH ये टी और एच भी परफेक्ट। आएंगे इससे पहले ही, क्यों हाँ भाई, यस सर। और एक जना रोकी के बाद भी रखना था, वो कौन होगा? वो लाहरी जो नहीं। कालू। हाँ नहीं नहीं कालू नहीं, सर, सॉरी कालू तो लिख कालू। रखा है मैंने, कालू तो यार लिख रखा है, एक कौन पीलू। है? अरे 5 नाम थे ना यार, सर पीलू है। पीलू क्या बात कर रहे हो बच्चों, पीलू 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 पीलू, ये पीलू है, समझ में आया? और लास्ट में रिमेनिंग कितनी रह गई, 1/8 ऑफ एक्स, समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। अब यदि आप थाली को कुछ ग्राम्स की मानना चाहते हो तो मान लो, कितने ग्राम की मान लो, 800। 800 ग्राम, हाँ सर, फिर 100 ग्राम बचेगी ना, आठ सौ तो वन ग्राम की फोर्थ थाली वन थी, फिफ्थ वन सब कुछ बैठ जाएगा। 100 ग्राम बच गया, ठीक है। ये 100 ग्राम कब बचा, जब यहां पर कुछ रिमेनिंग था उसमें से पीलू ने 1/4 ले लिया, तब जाके 100 ग्राम बचा है। तो 3/4 ऑफ एक्स इज हंड्रेड इक्वल टू 100, एक्स कितना था, 133.33, या 400/3 लिख लो, 400/3 ग्राम था जब पीलू चोरी करने आया। पॉइंट्स मारे, कोई और ले ले क्या फन अब ठीक है वैल्यू। ले लिया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 400/3 था जब पीलू चोरी करने आया, पीलू ने इसका
1/4 ले लिया, 100/3 ले लिया, तो अब कितना बचा, 300/3, तो 100 ग्राम बच गया। ये समझ में आया बच्चों? सही चल रहा है क्या? यहां पे रोकी आएगा, बोल दो हाँ या ना। यस सर, क्योंकि उससे पहले KDH तो आएंगे रोकी ही से ना। पहले 3 लोग हैं यहां पे, डेफिनेटली रोकी आएगा। और रोकी ने कितना चोरी किया है ये नहीं दे रखा ना, सो 110 दे रखा है कहाँ दे रखा है? हाँ, लास्ट लास्ट पॉइंट में है। पॉइंट। अच्छा, मैंने पूरा पढ़ा भी तो नहीं। रोकी स्टोल 1/10 ऑफ स्टूडेंट थाली, जो बची थी उसका 1/10 इसने चुराया, चुराया 1/10 ऑफ रिमेनिंग। बच्चों यहां पर वाय बची थी, जब रोकी आया, रोकी आया, वाय बची थी, उसने वाय का 10th पार्ट चुरा लिया, और बचा कितना है, 400/3, ये जो आगे बच गया है कि नहीं। तो 9y/10 इज इक्वल टू 400/3। तो जब रोकी आया था चोरी करने, तो 4000/27 बचा था, बोलो हाँ या ना। यस सर, फोर उसने कितना चोरी किया, 4000/27 का 1/10, जो कि होता है 400/27, ट्वेंटी तो बच कितना गया, 3600/27, 9 से कट करो, 400/3। सही आ रही है, एकदम बढ़िया। सेवन यस सर। और इसने चोरी किया था 400/27, ये भी लिख देता। देखो क्या बढ़िया चल रहा है, क्वेश्चन आराम से खत्म होगा, आराम से। पीछे चलो, अब पीछे का डिसाइड करना बचा है, अरिया पहले या कौन पहले। तो ठीक है, अपने पॉइंट भी तो बचे हैं अभी तक, पॉइंट भी ऊपर जो लिखे हुए हैं बचे हुए हैं, इनको यूज करते हैं। अभी तो क्वेश्चन पूरा पढ़ा भी नहीं है अपन ने। अब बोलो क्या दे रखा है नीचे, थर्ड पॉइंट क्या था, द फोर्थ पॉइंट, दैट ही वी स्टोल लास्ट, स्टोल 1/4, एंड ये तो हो गया व्हेन ही वेंट टू स्टील इट, एंड टेडा स्टोल बिफोर रोकी, ये हो गया अपना। व्हेन कालू वेंट टू स्टील, ओनली 4/5 ऑफ इट वॉज रिमेनिंग। जब कालू कालू चोरी करने कितने गया, उससे पहले कोई चोरी कर चुका था, तो कालू फर्स्ट पे तो नहीं आ सकता, का और कालू के बाद में टी को रखना भी जरूरी है। सर? एच भी तो रख ही सकते हैं। अरे आपने खत्म कर दिया बच्चों सेट, सर एच भी तो रख सकते हैं, टी को फर्स्ट रख दें नहीं तो। रख सकते बेटा, नहीं रख सकते। कालू फर्स्ट पे नहीं आएगा, कालू थर्ड पर भी हाँ नहीं आएगा, क्योंकि कालू के बाद तो टी भी तो आएगा, हाँ तो कालू बीच में ही तो आएगा, कालू तो बीच में ही आएगा, और कालू के बाद टी है, तो टी हाँ यहाँ पे हाँ आएगा, तो एच यहाँ पे आएगा। बच्चों खत्म कर दिया आपने। और आपने मुझे बोला कि कालू के पास जब कालू आया था तब 20% तो गायब था, 4/5 बचा था, 80% ही बचा था। यहाँ पे 800 ग्राम की थाली थी, 20% गायब कर दिया इसने, 160 ग्राम इसने रख लिया, 640 ग्राम कालू के लिए छोड़ दिया। वाह, समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। और अब आखिरी पॉइंट, जो अपना सेट पूरा ही खत्म करवा देगा। ये सारा यूज कर लिया अपन ने, ये सारा यूज कर लिया अपन ने, कि जितना टेढ़ा को मिला था उतना ही कालू को मिला था। मैं मानता हूं 640 में से कालू ने एक्स रखा, तो टेढ़ा के पास कितना पहुंचा, 640 - x। कालू के पास तो कितना रखा, एक्स, टेढ़ा के पास कितना रखा, 640 - x, और टेढ़ा ने इसका 50% ले लिया, तो टेढ़ा ने कितना रख लिया, 320 - x/2 टेढ़ा ने रख लिया, पर जितना टेढ़ा ने रखा था उतना ही कालू ने रखा था, 3x/2 इज इक्वल टू 320, x 640/3। कालू ने इसका 1/3 पार्ट चोरी किया था, 640/3, और आगे भेज दिया था 2/3 ऑफ 640। टेढ़ा ने 2/3 ऑफ 640 का भी हाफ रख लिया, 640/3, और बाकी आगे भेज दिया, हेलो, और ये सेट हाँ खत्म। हरिओम।
खत्म। जी बोलो। क्लियर है क्या? यस सर। तो बहुत अच्छा सेट था ये अभी हो सकता है आपसे हुआ ना हो, मतलब बाद में इजी लगे, पर ये अच्छा सेट है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, पर अच्छा है, गेट। चलिए ठीक है, नहीं बैठा था जैसे आपने डिसाइड किया ना कि लास्ट में ये पीलू ही आएगा वो वाली चीज। बेटा हर एक पॉइंट में हिंट होता है, ये सबसे बड़ा हिंट तो मुझे ये सेम लगा, सबसे बड़ा हिंट। पार्ट ऑफ सोनथली। हाँ सेम पार्ट ऑफ सुरंथली ये वाला। इससे मेरे को पता चला कि टी पहले आएगा, टी बाद में आएगा के, अदरवाइज में ये जब तक ऑर्डर डिसाइड नहीं कर पा रहा होता तब तक मैं ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। क्लियर है हाँ बच्चों? सर, ठीक यही कहा था। हाँ है।